जयपुर से श्री राजकुमार जैन छत्तीसगढ़ से कह रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु पूर्वक ये शंका रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में जब अपना पराया लगने लगे, अपना देश बुरा और विदेश अच्छा लगने लगे, अपना गांव बुरा और शहर अच्छा लगने लगे, अपना घर बुरा और दूसरों का अच्छा लगने लगे, अपने संसाधन बुरे और दूसरे के अच्छे लगने लगे, अपनी जीवन यात्रा बुरी और दूसरे की अच्छी लगने लगे, तब इस असंतोष की अवस्था और भ्रम से कैसे बचें, यानी प्राप्त को ही पर्याप्त कैसे माने। गुरुवार में प्रश्न तो सोचता हूँ कि अंतिम होगा, लेकिन फिर प्रश्न पड़ जाता है। क्या आखिरी लाइन क्या बोले? असंतोष की अवस्था। नहीं, ये प्रश्न तो गुरुवार हर प्रश्न के बाद में सोचता हूँ कि ये मेरा अंतिम प्रश्न है, लेकिन फिर एक प्रश्न आ जाता है मन में आखिर ऐसा। देखिए, अपने मन के असंतोष को दूर करने का सबसे पहला उपाय है यथार्थ पर विश्वास करके जीना। जीवन के यथार्थ को समझिए। चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, चीज़ें अपने स्वभाव से परिणमन करती हैं। हम यदि उन्हें ठीक तरीके से समझने लगेंगे तो हमारे मन का असंतोष अपने आप दूर होगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास, जगत की नश्वरता का बोध, सकारात्मक सोच और जो हमारे पास है उनका तटस्थ मूल्यांकन, यदि ये बातें हमारे जीवन से जुड़ती है तो संतोष जैसे तत्व हमारे जीवन में सहज घटित हो सकते हैं। और जिनके जीवन में ऐसा नहीं है वे इस अंतहीन संसार में हमेशा दौड़ते ही रहते हैं।